हम हिंदू एक हों तभी हिंदू राष्ट्र बन सकते। कांग्रेस की ये विधायक काफी चर्चा में है। ये चर्चा कांग्रेस विधायक का हिंदू राष्ट्र वाला वीडियो वायरल होने पर हुआ है। इस कथित वीडियो ने प्रदेश सहित देश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा को वीडियो में हिंदू राष्ट्र की अवधारणा का समर्थन करते देखा गया था। बताया जा रहा है कि विधायक का ये कथित वीडियो पुरी शंकराचार्य के धार्मिक आयोजन के दौरान का है, जिसमें विधायक लोगों को देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एकजुट होने का आह्वान करते हुए देखा गया। वीडियो में विधायक लोगों से हिंदू राष्ट्र के लिए उसी स्थान पर संकल्प लेने का अनुरोध कर रही थी। शंकराचार्य जी महाराज के अमल ला आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद ला आप सब संभाल के रखना और हम सब आज हिंदू राष्ट्र बनाए के लिए संकल्पित हुआ था। मैं आप सब से निवेदन करत हूँ कि जो मुहिम जगत गुरु शंकराचार्य जी चलाए उमा हम सब जो सहयोग हमला बन सकते हमन बिल्कुल सहयोग करन और अपन अपन जो जहाँ जहाँ जिस गांव जिस स्थान में हन वहाँ से हिंदू राष्ट्र बनाए के लिए हम संकल्पित हो के हिंदू के लिए बात करन। हम हिंदू एक होन तभी हिंदू राष्ट्र बन सकते। मैं आप सब से निवेदन प्रार्थना करत हुए एक बार आप सब से निवेदन करत हो एक जयकारा जरूर लगना चाहिए। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। विधायक शर्मा का वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। मामले को तूल पकड़ता देख छत्तीसगढ़ की कांग्रेस इकाई ने विधायक के बयान को उनकी निजी राय बताया और खुद को इस मामले से अलग कर लिया। हिंदू राष्ट्र के वीडियो पर विवाद बढ़ने के बाद विधायक शर्मा ने इस मामले पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। विधायक ने कहा कि देश में विभिन्न धर्मों के लोग सद्भाव के साथ रहते हैं और हम किसी को तोड़ना नहीं चाहते हैं।